हाँ, सभी तैयार। 3, 2, 1, स्टार्ट। बचपन अत्यंत सुखद अनुभूति है, विराम। ना कोई चिंता, ना कोई जिम्मेदारी, विराम। इसके बाद आता है किशोरावस्था, विराम। संवेगों के तूफानों का काल, विराम। गरम लहू का एहसास दिलाने वाला क्रांतिकारी समय, विराम। बिहारी की माने तो इस अवस्था के बहाव में जो बह गया उसे कोई नहीं बचा सकता, और जो ठहर गया वह जीवन में बड़ा आदमी बनता है, विराम। बनने व बनने के बीच बड़ी तेजी से जिस अवस्था का प्रवेश होता है उसे युवावस्था कहते हैं, विराम। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मैक्सिमम यूटिलिटी यानी अधिकतम उपयोगिता वाली अवस्था कह सकते हैं, विराम। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इसी अवस्था में कर सकते हैं, विराम। पैरा, एक तरह से यह अवस्था बचपन और बुढ़ापे का संधि स्थल है, विराम। बचपन और बुढ़ापे में समानताएं और विषमताएं दोनों हैं, विराम। ये दोनों ही अवस्थाएं आपके मस्तिष्क रूपी मेमोरी कार्ड का शून्य रूप है, विराम। अंतर केवल इतना है कि बचपन में स्मृति जहाँ शून्य से अधिकतम की ओर बढ़ती है, वही बुढ़ापे में अधिकतम से शून्य की ओर घटती है, विराम। वैसे भी दुनिया में वही सुखी है जिसकी स्मृति शून्य है, विराम। तुलसीदास के शब्दों में बालक, वृद्ध और वानर एक समान है, विराम। तीनों में चंचलता की समानता होती है, विराम। अंतर केवल इतना है कि बालक की चंचलता मन मोह लेती है और बूढ़े की चंचलता जिसे लाचारी कह सकते हैं, सटियाना, दिमाग खराब हो जाना जैसे शब्दों से लक्षित होकर उन्हें भीतर तक भेदने का काम करती है, विराम। जीवन का यह पड़ाव कुछ के लिए मधु स्मृतियों का पिटारा है तो कुछ के लिए कटु स्मृतियों की गंदगी का अभिशाप, विराम। पैरा, जीवन रूपी लॉकर का पासवर्ड 4-3-2-3-4 है, विराम। यह पासवर्ड जीवन रूपी लॉकर का निगूढ़ रहस्य है, विराम। नवजात शिशु दो हाथों दो पैरों यानी चार अंगों से रेंगता है, विराम। चलने की आरंभिक दशा में दो पैर और एक टेका यानी कुल 3 अंगों की आवश्यकता पड़ती है, विराम। युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक दो पैरों पर, बुढ़ापे में लकड़ी टेक कर चलने पर 3 और देहावसान के समय 4 कंधों पर जीवन यात्रा समाप्त करनी पड़ती है, विराम। जन्म और मृत्यु का निश्चित तथ्य है, विराम। उसी तरह शरीर का बूढ़ा होना परिवर्तन की नश्वरत का प्रमाण है, विराम। प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती, विराम। प्रकृति का अर्थ ही बहाव है, विराम। इसलिए इसके विपरीत किसी भी प्रकार की चाह आगे जाकर दुख देता है, विराम। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब एक बूढ़ा अपनी लाठी समझने वाले बच्चों पर जीवन भर की कमाई लगाकर
धोखे का शिकार होता है। विराम। न जाने कितने बच्चे अपने बूढ़े माता पिताओं को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। विराम। वे अपने बच्चों के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, उन्हें घर में थोड़ी सी जगह देने की याचना करते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं। विराम। पैरा। बुढ़ापे को सुखमय बनाना है तो बच्चों के भीतर सबसे पहले मानवीय संवेदनाएं भरिए। विराम। अच्छे विचार पुस्तकों में नहीं अच्छे बर्ताव से मिलते हैं। विराम। इसलिए बच्चों के सामने हमें आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। विराम। बच्चों को वसीयत में गाड़ी बंगला बैंक की बचत दे न दें, मगर बेहतर मनुष्य बनने की शिक्षा देना न भूलें। विराम। बचपन से बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाइए। विराम। भूल होने पर क्षमा मांगना सिखाइए। विराम। अनाज की कमी से आदमी भूखा मर सकता है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की कमी से पूरी मानवता मर सकती है। पूर्ण विराम।